Hello students, today we will be discussing the different types of money as how the money is classified. We have discussed about it earlier also in the previous video, but now we will be discussing in detail as per the different types of money. First of all is your actual money. Actual money kya hoti hai? Which actually circulates in the economy, जो economy के बीच में circulate कर रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक sector से दूसरे sector में वो जा रही है, उसे हम medium of exchange की तरह use कर रहे हैं, यानी उसको हम दे के products को खरीद रहे हैं और उसके बदले में हम money को दे रहे हैं. Example इसका paper notes और currency, जो आपकी normal currency है, notes and coins, वो होती है actual money. मनी ऑफ अकाउंट क्या होती है? मनी ऑफ अकाउंट है जिसके बीच में कंट्री जो है वो सोचती है कि हम अपना जो डेटा है ट्रांजैक्शंस का या क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं कंट्री के बीच में उसका अकाउंट रखें. जनरली ये इंडिया के बीच में रुपी है और मोस्टली सेम ही होता है हर कंट्री के बीच में, बट समटाइम्स इट इज़ डिफरेंट ऑल्सो कि जो एक्चुअल मनी है और मनी ऑफ अकाउंट है समटाइम्स इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. जो रिकॉर्ड है अगर हम रिकॉर्ड को डॉलर्स में रखें, जो हमारा नेशनल इनकम का रिकॉर्ड है वो सब हम डॉलर्स में रखें, और अगर सर्कुलेट करने के लिए हम करेंसी नोट्स जो हैं वो रुपी यूज़ करें, तो इस तरह से वो डिफरेंट भी हो सकता है. इट इज़ अप टू द चॉइस. नेक्स्ट इज़ योर कमोडिटी मनी. बेसिकली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हम बार्टर सिस्टम में चेंज करते थे उस तरह से भी, उसे भी कमोडिटी मनी बोला जाता है. बट ये वाली कमोडिटी मनी सर समटाइम्स क्या होता है कि हम डिस्कस करते हैं वो वाली मनी है जिसके बीच में उसको मेटल से बनाया गया है, और इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये फुल बॉडीड मनी है, जिसका मतलब है उसकी फेस वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो सेम होती है. फेस वैल्यू होती है अगर ये एक कॉइन है इसके ऊपर 1 रुपी लिखा है तो इसकी फेस वैल्यू जो है वो 1 है, और इसकी जो मेटल इसके बीच में यूज़ किया हुआ है उसकी वैल्यू भी 1 रुपी ही होनी चाहिए. वो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, जितना मेटल लगा है उसकी वैल्यू वो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है. तो ये आपकी होती है कमोडिटी मनी. और वैसे ये नॉर्मल 1 रुपी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये चीप मेटल की नहीं बनी होती. जो हमारे रुपी ये कॉइन्स होते हैं ये चीप मेटल के बने होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मनी के अंडर आते हैं वो. इसके बीच में आप गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स की बात कर सकते हो, जिसकी जो फेस वैल्यू हो और जो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है दोनों सेम होती हैं. नेक्स्ट इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव मनी. इसके बीच में आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि पेपर नोट्स जो हैं उसका जो पेपर है उसकी वैल्यू उतनी तो नहीं होती. 2000 का अगर नोट है तो वो पेपर की वैल्यू 2000 नहीं होती, उससे कम होती है. तो फेस वैल्यू से कम होती है, फेस वैल्यू ज़्यादा है और इंट्रेंसिक वैल्यू जो उसके ऊपर खर्चा हुआ है या जितने का वो मेटल लगा है वो कम होता है इसमें. एग्जांपल आपको करेंसी नोट्स बता दिया, ये कन्वर्ट कर भी सकते हो आप फुल बॉडी मनी में. अगर आपको लग रहा है कि 1 रुपी का जो मेटल है जितना आपने लगाया है 1 रुपी कॉइन पे उसके बराबर ही उसकी मेटल की भी वैल्यू होनी चाहिए और फेस वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, आप कर सकते हो उसको कन्वर्ट कर सकते हो फुल बॉडीड मनी में. इट इज़ अप टू यू. नेक्स्ट इज़ योर लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी कौन सी मनी है? जो आपको मॉनेटरी अथॉरिटी जो है किसी भी कंट्री की, इंडिया की मॉनेटरी अथॉरिटी अलग है, किसी और कंट्री अमेरिका की अलग होगी, कनाडा की अलग होगी, सबकी अलग अलग होंगी, उसके ऊपर एक लीगल सैंक्शन होता है. गवर्नमेंट उस नोट को या उस मनी को, जो आप मनी की बात कर रहे हो उसको, वो सैंक्शन करती है. एवरी इंडिविजुअल इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट इट इन एक्सचेंज. अगर मैं आपको वो लीगल टेंडर मनी दे रही हूँ आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट ना करो. इसके 2 पार्ट्स हैं आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं आपको कॉइन्स के बीच में पेमेंट कर रही हूँ तो आप मुझे मना नहीं कर सकते. कब तक मना नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है कि आपने छोटे कॉइन्स जो हैं वो 1000 रुपीज़ तक लेने ही लेने हैं. अगर 1000 से ज़्यादा की पेमेंट कर रहा है कोई तो फिर आप मना कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मना नहीं कर सकते उनको. नेक्स्ट इज़ योर अनलिमिटेड लीगल टेंडर. अनलिमिटेड के बीच में आप उसको किसी भी अमाउंट में दो, नेक्स्ट पर्सन जो है जिससे आप एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स वो मना नहीं कर सकता. जैसे सारे के सारे करेंसी नोट्स जो इंडिया के बीच में है उसको आप किसी भी वैल्यू तक दे सकते हो, लैक्स में भी करोड़ में भी आप उसकी वैल्यू दे सकते हो. जो नेक्स्ट पर्सन है जिसको आप दे रहे हो वैल्यू वो मना नहीं करेगा. नेक्स्ट आपकी आती है ऑप्शनल मनी या फिड्यूशरी मनी. अब ये कौन सी है? ये लीगल टेंडर नहीं होती. ये मनी जो है ये लीगल टेंडर नहीं होती, बट लोग फिर भी इसको फाइनल पेमेंट्स में एक्सेप्ट करते हैं. जैसे चेक्स से आप फाइनल पेमेंट करते हो, ड्राफ्ट से करते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज से करते हो, इन सब चीज़ों से आप फाइनल पेमेंट कर सकते हो, बट इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो कंपलसरी नहीं है.
ये वो करेगा एक्सेप्ट तो ठीक है, नहीं करेगा तो आपको उसको जिस तरह से वो मनी आपसे मांग रहा है आपको वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये विल ऑफ़ द पर्सन पे है। दो पर्सन, अगर एक पर्सन ने उसको गुड दिया है, दूसरे ने उसको ये वाला ऑप्शन दिया है चेक का कि मैं आपको चेक में मनी पे कर देता हूँ, अगर वो मानता है पर्सन जिससे उसने खरीदी है, सेल्समैन मानता है तो ठीक है, अगर वो शॉपकीपर मानता है तो नहीं, तो उसको उसको कैश में या जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे ये चाहता है पर्सन वैसे उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ योर मनी। मनी हम कहते हैं किस चीज़ को, जिसकी 100% लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी से क्या मतलब है? लिक्विडिटी होती है क्वालिटी किसी चीज़ की, जिसको इमीजिएटली एक्सचेंज कर सकते हो आप फुल वैल्यू पे उसकी। जैसे मैंने अगर 100 रुपीज़ का नोट दिया है तो उसकी 100% लिक्विडिटी है, मुझे 100 रुपीज़ की ही चीज़ें मिलेंगी और उसी टाइम पे मिल सकती हैं, कोई मेरे को डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, और उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। 100 रुपीज़ की जो वैल्यू है उसी के वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे सारी चीज़ें मिलती हैं। नियर मनी क्या होती है? ये मनी वो होती है जिसकी लिक्विडिटी होती है, बट कभी कभी मोस्टली जब देखा जाता है कि इसकी लिक्विडिटी एज़ कम्पेयर टू मनी कम होती है। ठीक है, जैसे हम सेविंग डिपॉजिट्स की बात करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग सोसाइटी डिपॉजिट्स की बात करते हैं, ये जो है क्यों इसकी लिक्विडिटी कम है? क्योंकि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता डेट पे करने के लिए, मतलब हम जो कर्ज़ा है हमारा हम उसको पे करने के लिए इसको नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, इसको हम कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं मनी के बीच में, और उसके बाद हम इसके इससे पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको नियर मनी बोला जाता है, कि ऑलमोस्ट मनी के आसपास की ही होती है ये। नेक्स्ट हमारा आता है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके बीच में मेटल्स का यूज़ हुआ होता है। आप गोल्ड और सिल्वर की भी बात कर सकते हो, और आप दूसरे चीप मेटल्स की भी बात कर सकते हो इसके बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी फिर उसी तरह से है जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती हैं। ये कुछ प्रेशियस मेटल्स की बनी होती है, जैसे गोल्ड या सिल्वर या इस तरह की चीज़ों की बनी हो सकती है ये। इसकी फ्री कॉइनेज है। इसका क्या मतलब है कि आपने जो आपका मेटल है आप उसको चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको बाउंड नहीं किया जा रहा कि आप उसको चेंज करो, आप उसको कॉइन बनाओ, या आप उसको जैसे बिट कॉइन्स वगैरह की बात करो, तो चेंज करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ योर टोकन मनी। इसके बीच में फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, इंट्रेंसिक वैल्यू कम होती है, जैसे इंडियन रुपी का कॉइन है। नेक्स्ट आ गई पेपर मनी। पेपर मनी आपको बता चुकी हूँ पहले भी, जो नोट्स हैं बैंक के या गवर्नमेंट नोट्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेपर मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। ये 100% बैग्ड है, मतलब इसके ऊपर 100% स्टैंपिंग है कि ये फुली रिडीमेबल है। आप इसको जो ये एक टोकन की तरह होता है, टोकन इन द सेंस, टोकन नहीं आप कह सकते हो उसको, एक पेपर की तरह होता है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि कितना प्रेशियस मेटल से आपने इस मनी को बनाया है, या ये कितने का सर्टिफिकेट है। उस तरह से आप उसको पूरा का पूरा चेंज भी करवा सकते हो जब आपको लगे कि आपको कन्वर्ट करवाना है उसे। कन्वर्टेबल पेपर मनी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन्स कौन से होते हैं? जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। अब ये ऑप्शन है होल्डर का, वो करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो ना करें। नॉट फुली बैक्ड अप बाय द प्रेशियस मेटल्स। अब इसके बीच में हम नहीं कह सकते कि इसमें प्रॉपर बैक है, कि वो प्रेशियस मेटल में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, या उतना एग्जैक्ट चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। कई बार वेस्टेज भी होती है, वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी के बीच में क्या है? ये कन्वर्ट नहीं हो सकती जी फुल बॉडीड मनी में। जैसे इंडियन रुपी का नोट है, अब फुल बॉडीड मनी मतलब कि अगर इंडियन रुपी का नोट और इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू जो है एज़ कम्पेयर टू उसकी फेस वैल्यू कम होती है। इंट्रेंसिक वैल्यू रुपी का जो नोट है उस पर उतने पैसे नहीं खर्च होते जितने जितनी उसकी फेस वैल्यू है। नेक्स्ट इज़ योर फियट मनी। तभी आपने देखा होगा कि साइजेस डिफरेंट होते हैं, उसके पीछे ये रीज़न होता है कि उसको फुल बॉडीड मनी में बनाना है नहीं बनाना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फियट मनी होती है, ये लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दी जाती है गवर्नमेंट से, हैज़ नो और लिटिल इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इटसेल्फ। उसकी अपनी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू हो भी सकती है, पर अगर होगी तो बहुत कम होगी, अदरवाइज होती नहीं है। नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड या सिल्वर। इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते गोल्ड या सिल्वर के बीच में, यानी हम ये वाला दे के नहीं बोल सकते हैं कि मैंने इतना गोल्ड लिया था। तो इस तरह की मनी को हम बोलते हैं फियट मनी। लास्ट इज़ योर क्रेडिट मनी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंक मनी। आपको एग्ज़ाम में कोई भी नेम आ सकता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द नेम्स। आपने सारे नेम्स पढ़ने हैं, किसी के अगर दो नाम हैं तो उसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। डिपॉजिटेड बाय द पीपल, जो हम लोग बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
FDs, RDs इनके बारे में बात नहीं करनी, वो बॉन्ड्स होते हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड वगैरह होता है, वो हमने बात नहीं करने, वो फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह की बात नहीं करनी. सिंपल जो हम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में जाके, वो आपका क्रेडिट मनी होता है. और जब भी डिपॉजिटर जाके बोलेगा मुझे इतने पैसे चाहिए, तो हम उसे दे देते हैं या उन्हें देने पड़ते हैं उतने पैसे. एग्जाम्पल क्या है, चेक्स भी हो सकते हैं, ड्राफ्ट्स भी हो सकते हैं, इसके बीच में आ सकते हैं. ठीक है, अब जाके अगर आप किसी को चेक देते हो, वो जाके आपका चेक जो है वो दोबारा से, वो पर्सन जिसको चेक दिया है वो बैंक में जाएगा और उससे पैसे मांगेगा, तो उन्हें देने पड़ेंगे. इवन हम अगर सेल्फ चेक, सुना होगा आपने कि अपने ही नाम पे हम चेक देते हैं उन्हें और बोलते हैं कितने पैसे निकाल दो. तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स हैं मनी की. गो थ्रू द टाइप्स इन डिटेल, बुक के बीच में से भी पढ़ो. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग इसकी सप्लाई वगैरह करेंगे, तब तक ये वाला अच्छे से रिवाइज करके रखो. दिस इज़ द थ्रेटिकल पार्ट, तो ये आपको बेटर क्लियर हो जाएगा. तो अभी इसके ऊपर ध्यान दो, थ्रेटिकल पार्ट को ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करो. थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ.